नमस्कार, कथक की पाठशाला में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आज मैं आपको घुंघरू बांधना सिखा रही हूँ। कथक में घुंघरू बांधने का बड़ा महत्व माना जाता है, सो घुंघरू कैसे बांधना चाहिए मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम आप डोरी को लीजिए और अपने टो के साथ में उसको राउंड अप कीजिए। आहिस्ता से पैर को उठाते हुए घुंघरू को एक के ऊपर एक गोलाकार रूप में स्थापित करते चाहिए। स्थापित करते समय उसको चारों तरफ से प्रेस करके सेट करते जाइए, क्योंकि हमारे कथक में घुंघरू का बड़ा महत्व माना गया है। इसे कैसे पहना जाता है और ये कैसे दिखना चाहिए, सो इसलिए मैं सर्वप्रथम आपको घुंघरू बांधना सिखा रही हूँ। उसके बाद डोरी को निकालिए, डोरी को टाइट करते हुए ऊपर की साइड दोनों डोरी को क्रिस क्रॉस करते हुए साइड में बांध लीजिए। बांधने के बाद जो आपकी डोरी बची है उसे अंदर की डोरी के साथ टाई अप कर दीजिए और आपके घुंघरू की पोजीशन इस प्रकार से होनी चाहिए जो देखने में सुंदर लगे और अच्छा साउंड करे। मैं प्रणाम की प्रक्रिया आपको बताने जा रही हूँ। नृत्य आरंभ करने से पहले समस्त गुणीजनों, गुरुजनों, दसों दिशाओं, दर्शकों और भूमि को प्रणाम किया जाता है। उनसे स्वीकृति लेके अपनी नृत्य आराधना आरंभ की जाती है, उसे प्रणाम या भूमि प्रणाम कहा जाता है। सो उसी का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दे रही हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। इसी प्रक्रिया को मैं अपने स्टूडेंट के साथ में बताना चाहूंगी। तानिया मंडोई, गौतम राज, विधि सोनी, आप तीनों नाद्योग में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। इन्हीं के साथ में आज आपको प्रणाम के समूह प्रक्रिया बता रही हूँ कि भूमि प्रणाम या प्रणाम कैसे होना चाहिए। शैली टू थ्री फोर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। इसे प्रणाम की प्रक्रिया कहा जाता है। ये नृत्य आरंभ करने से पहले की जाती है और ये करना मतलब स्वीकृति लेना होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है कथक का या किसी भी नृत्य विधा का मुख्य भाग माना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के अपडेट लेने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड टिल देन प्लीज कीप डांसिंग। नमस्कार।